आप सभी लोगों का सरस्वती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। भाई देखिए, ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स का और एक्सरसाइज नंबर 2.5 लेके आया हूँ, जिसका 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके। निम्नलिखित, एक्चुअली 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख देता हूँ, है ना, थर्ड पार्ट है। अच्छा, बीच में जो अगर क्वेश्चन है ना आपके, जो कि रह गए हैं, तो उन क्वेश्चन वो आपके होमवर्क हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7th का आपके थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7th जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ दिया है उपयुक्त सर्वसमीकरणों आगे है आपके का, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ठीक, निम्नलिखित मान ज्ञात करो। तो इसका भी देखेंगे अपन, थर्ड है इसका 998 की पावर 3, है ना। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, अब देखो उपयुक्त सर्वसंख्या लगाने के लिए इसमें इसको क्या लिखेंगे अपन, 1000 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 2 और टू दी पावर 3। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनना है भाई, है ना। अब ए माइनस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए आपको, क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b + 3ab² भाई। ये फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप वो फॉर्मूले जितने क्लियरली पता होंगे उतने ही क्लियरली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो, ये होगा आपका ए क्यूब यानी कि 1000 का होल क्यूब, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस का 3, और a की वैल्यू क्या है आपके 1000, ए स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके 2, है ना। फिर उसके बाद प्लस का 3, a की वैल्यू क्या है 1000, और फिर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अपन देखते हैं क्या हो जाएगा भाई आपका, 1000 की पावर 3 है, यानी कि 1000 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 1000 का, 1000 की पावर 3 है यानी कि 1000 का 3 और गुणा, 1000 × 1000 और फिर इंटू में 1000। ठीक, तो अपन देखते हैं 1 के ऊपर कितने, 3, 6, 9, 1 के ऊपर 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, माइनस 2 की पावर 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8, ठीक, तो माइनस के हो गए 8। अच्छा, 8 के बाद फिर मल्टीप्लाई में ये लिखा है आपका 1000 का स्क्वायर। ठीक, देखो ये, अच्छा जी 8 हो गया, हाँ ठीक, 8 आ गए, उसके बाद माइनस का 3 और ये 3 होने कितने हैं 6, तो 6 × 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 × 000 और उसका लगाया आपके स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1000 × 1000 यानी 1 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 × 6 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 0, ठीक, और फिर प्लस ये हुआ 3 और इंटू 2 × 4, है ना, और इंटू में 1000, तो ये बनेगा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद में माइनस के 6 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरोस, और प्लस के ये 3 × 12, 12 पे 3 ज़ीरो। अब देखो, अगर जैसे इसके पीछे का जो पार्ट है ना, सेकंड, सपोज 7th का सेकंड पार्ट है, है ना, अगर वो मैंने छोड़ा होगा पिछले वीडियो में या कोई भी क्वेश्चन छोड़ा होगा, तो वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं शुरू से ही इस तरीके से लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सीखो, और जब तक खुद नहीं करोगे तब तक भाई थोड़ा सा ना, हाँ, तब तक फिर उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, उतना प्रयास हमारे सफल नहीं होंगे, है ना, ना आपके। इस वजह से आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, तो उनको भी प्रॉपरली ज़रूर करें, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अपन, ये हो जाएगा आपके, देखो ये इसको और इसको ऐड कर दो,
तो ये हो गया देखो 3 0, तो 1 2 3 0, उसके बाद ये आ गया 12, उसके बाद फिर से 4 0 और 1, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 6 0 0 3 0 4 0 और ये 8, ठीक। घटाओ यहाँ पे कितना होगा आपके ये 8 फिर 0 8 0 0 8 0 0, फिर उसके बाद फिर से 0 फिर 0, देखो कितने टाइम 0 है, 3 और 2 5, तो ये 4 और ये 5, 3 and 2 5, एंड ओवर हियर वी आर गिविंग 6, ठीक। माइनस देखो 10 में से 8 गए तो आगे 2, यहाँ 9, 9 में से 0 गया तो 9, फिर यहाँ पे फिर ये 9, अब यहाँ 1 रह गया तो ये 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, और देखो ये आ गया, ये यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ये आ गया, ये 1 आ गया, अब ये 0 इस 0 के ऊपर है, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ व्यवस्थित 6, तो 0 से 0 गया 0, यहाँ पे अपने देखते हैं 10 है ना, 10 से कितना हो गया 10, 10 का 10 से 6 गया तो 4, ये 9 और ये 9, ठीक। ये आपके आंसर है जो कि है आपका 9499401992, ठीक। आप लोगों के अच्छे से आ गया होगा, नोट कर लें व्यवस्थित, उसके बाद अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। और भाई इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दे के फेयर नोटबुक ज़रूर मेंटेन करते रहें, क्योंकि जब आप लोग वापस आएंगे तो हम लोग फेयर नोटबुक आपकी चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई किस बच्चे ने व्यवस्थित किया है और किस बच्चे ने व्यवस्थित नहीं किया हुआ है, चलिए ठीक। अब देखो कुछ स्पेस आपका फ्री करने के लिए, फ्री अप करने के लिए मैं थोड़ा रब किए देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या दोबारा से वीडियो को देख के समझ लें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता दें, उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, फर्दर वीडियो बना के समझा देंगे आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट पार्ट था ना 7th था, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन करो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन करो, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंडन करो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन करो, ठीक। तो पहला है 8th का फर्स्ट है आपके 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² ठीक। तो देखते हैं भाई अपने 8th का फर्स्ट पार्ट है a³ + b³ है ना। अब हम देखते हैं कि ये किस सर्वसंख्या को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हर एक जो अपने को क्वेश्चन का पार्ट दिया है इस क्वेश्चन में वो किसी न किसी सर्वसंख्या को फॉलो करेगा, जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना, और बाकी आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक। चलिए तो अपन देखते हैं भाई पहला वाला ये जो पार्ट है, जैसे है ना 8 लिखा है 8, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, सीधे सीधे 2³ हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 2³ और a³ पहले से दिया हुआ है, प्लस यहाँ आ गया आपके b³, प्लस अब देखेंगे 12 को क्या लिखेंगे अपन, 12 को लिखेंगे 4³, तो 3 तो आगे आ गया, उसके बाद 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 को लिख सकते हैं 2³, ठीक। तो ये आ गया 3 × 2² × a²² × b, और फिर प्लस का इसको 6ab² लिखा है, 6ab² का क्या करेंगे 6 को लिखेंगे अपन, 3 × 2 = 6 a और इंटू में b², तो आ गया 3 × 2a × b². अब देखो ये है आपके 2a³, यानी कि a³ + b³ + 2² = 4, 4³ = 12, तो 12 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, ये है 3 और फिर क्या है a है 2 है, तो 3a² देखो 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर पूरे के ऊपर लग जाएगा 2a² × b प्लस का 3, अब ab² a क्या है आपके a है 2a और b है केवल b और उसका होल स्क्वायर, ठीक। तो अपन देखते हैं देखो ये बनेगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab² तो क्या होगा a+b³ हो गया, ये a है 2a + b की जगह है b और उसका हो गया होल क्यूब 2a + b³, 2a + b² कितनी हो गई 3, ये हो गया आपके आंसर। आगे देखते हैं अपन भाई नेक्स्ट वन है ना, इसी में ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं,
आप लोग नोट करें इसको व्यवस्थित, है ना। हाँ चलिए भाई, भी आपको एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा, दिख भी क्लियर रहा होगा, है ना। जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8th के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8th का, उसमें दिया हुआ है अपने को 8a³ माइनस का b³ माइनस का 12a²b। भाई कुछ क्वेश्चंस मैंने रिपीट किए हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। चलिए 8a³ माइनस b³ और माइनस का 12a²b प्लस का 6ab² 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b प्लस का 6ab² ठीक। तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान देंगे, ये 8 है ना, 8 अभी लिखा था ना, 8 की जगह 2 की घात 3, देखो 8 की जगह 2 की घात 3 लिखी थी, वैसे यहाँ पे 8 की जगह लिख देंगे 2 की घात 3 और 1 की घात 3 चली रही है ना, माइनस फिर ये b की घात 3 हो गया, और फिर ये माइनस क्या आ जाएगा आपका 3a² a² यानी कि 2a का स्क्वायर और इनटू में b, और प्लस का 3 और क्या होगा ab² यानी कि 2a है ना और इनटू में b का स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस का 3ab² तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल क्यूब, क्या आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और फिर प्लस का 3ab² पूरा सब कैलकुलेट हो जाएगा, होके आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, a की जगह है 2a और b की जगह केवल b, ठीक। तो अपन देखते हैं नंबर 3rd पार्ट, ठीक, यहाँ तक का आप लोग व्यवस्थित नोट कर लें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो देखो भाई, 3rd पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8th और पार्ट 3rd है 27 माइनस 125 और a की पावर 3 और उसके बाद क्या है माइनस का 135a और फिर प्लस का 225 और a टू द पावर 2, गुड। चलिए 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a², ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई अपन, देखो क्या होगा इसमें भी, वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। अब यहाँ अपन 2 माइनस देख रहे हैं तो ये वाला लगेगा, माइनस का लगेगा, सारे प्लस में होते तो अपना प्लस वाला लगता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अपन देखते हैं, देखो 27 है, 27 के फैक्टर्स करो, 27 फैक्टर्स करेंगे तो 2 से तो वैसे नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है तो वो संख्या आपकी किससे नहीं कटती, हाँ 2 से नहीं कटती, तो 3 से कटेगी। 3 का भाग दो 3 निम 27, फिर 3 का भाग दो 3 किया 9, फिर 3 का भाग दो 3 एकम 3, तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 का गुणा 3 बार हो रहा है तो 3 का गुणा 3 बार कर देंगे तो हो गया 27, माइनस का 125 के फैक्टर्स करेंगे 125 के, तो 5 आ गए यहाँ पे, 5 2 10 5 एकम 5 5 2 10 और फिर 5 25 सॉरी, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ गया, तो हमें पता है 5 की घात 3 लिख सकते हैं इसको, और a तो पहले से ही है तो 5 की घात 5 a की घात 3, ठीक। उसके बाद माइनस का 135 है ना, इसको इसमें और इसमें तोड़ना है, तो अपने क्या करेंगे 135 यानी कि 135 को हमें क्या लगाना है 3a²b, तो 3 और a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और इनटू b, b यानी कि कितना आ जाएगा आपका 5a, ठीक। अब देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले के बराबर है या नहीं, अगर होता है तब तो फॉर्मूला बनना है, नहीं होता तो नहीं बनना है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे 3 और गुणा 3 का वर्ग 3 किया 9 हो जाएगा 9 और गुणा में आ जाएगा 5, तो देखो 15 निम्न कहते होते हैं 135, तो बराबर हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद में फिर प्लस कितना है आपका 3 और उसके बाद 3ab², तो 3a है 3 और b स्क्वायर यानी कि 5a का होल स्क्वायर, 25 निम्न 225, ठीक बराबर आ रहा है एकदम। तो आगे देखते हैं अपन 3rd पार्ट में क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो ये क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b यानी कि 3 माइनस 5a की पावर 3, a माइनस b का होल क्यूब हो गया ये, ठीक। चलिए 3rd क्वेश्चन तक आपके ये क्वेश्चन नंबर 8th के तीनों पार्ट हो चुके हैं, अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग व्यवस्थित नोट करें, ठीक है ना, और
ये बहुत ध्यान से समझें, एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत इन फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि सर्वसमिकाओं से के यूज से बन रहे हैं, सर्वसमिकाएँ आपकी जब तक मैथ चलेगा तो सर्वसमिकाएँ रहनी ही है ना। तो अपने देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8th होता है यहाँ पर कम्प्लीट, वी विल गो टुवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 9th। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखो नवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नवा क्या है आपके, बुक है ना, क्वेश्चन नंबर 9th सत्यापित कीजिए। देखो अब हालांकि और भी हैं इसके पार्ट्स, चलो करा देते हैं है ना, वरना फिर आपकी प्रॉब्लम रह जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8th का 4th पार्ट देखो फिर है ना, 8th का 4th पार्ट है आपके 64A³ - 27B³ और माइनस का 144 और आगे क्या है आपके A²B और उसके बाद फिर प्लस का 108 और AB², ठीक। तो देखो 64 जो है ना 64, इसके अपन फैक्टर्स तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से पहले, क्योंकि ये का एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 जब होता है तो वो संख्या किससे कट जाती है, तो दी गई संख्या आपकी कट जाती है 2 से, है ना, 2 का भाग लगा दिया तो 2 3 6 और उसके बाद में 2 2 4, फिर से 2 से दे दो, 2 1 2, 2 6 12, 16 2 32 होते हैं ना, उसके बाद फिर से 2 से दे दो तो 8 आ गए, फिर से 2 से देंगे तो 2 तो 4 आ गए, 2 2 2 4 8, फिर 2 देंगे 2 2 4, फिर से 2 से देंगे 2 1 2, 2 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6। उसके बाद इसको लिख सकते हैं A³ - 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, ध्यान से देखना भाई, देखो ये A³ था है ना, 27 को 3 का³ लिख सकते हैं, अभी अभी हमने तोड़ा था, दोबारा तोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 की तरफ बढ़ेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 * 27, उसके बाद फिर 3 से तो 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, अपन ने देखा 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 * B³ और माइनस का 144 है। अब देखो 144 का क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना भाई, 144 को अपन को तोड़ना है तो 144 को कैसे तोड़ेंगे, देखो भाई बहुत ही ध्यान से देखना है अपने को, 144 को 3A²B करके तोड़ना है, तो A³ - BQ और फिर 3A² यानी कि A की जगह कितना लिखा है, तो हाँ अब A की जगह पे 2 की घात 2 लिखी है, यानी कि 2 की घात 2, ठीक, और उसके बाद A 3A² * B की जगह पे केवल 3B है, ठीक। अगले वाली स्टेप में अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आ जाएगा, ठीक, फिर प्लस 3A² अब A की जगह क्या है, A की जगह ये जो कुछ टेक में लिखा है 2B² * A और फिर B² यानी कि 3B² होल स्क्वायर, ठीक। चलिए मैं जो ये फैक्टराइजेशन मैंने किया है उसको रब के देता हूँ, तो देखते हैं अपन, देखो भाई ध्यान देंगे, ये हुआ आपका A³ है ना, ये -B³ - 3A²B +3AB², अब अपन मिलाते हैं क्या वो उसके बराबर है क्या मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 2 की घात 2 यानी कि 4 की घात 2 यानी कि 2 की घात 2 यानी 4 और फिर 4 की घात 2 यानी 4 × 16 और * में 3 तो 3 3 9 और 16 निम्न में कितने होते हैं 144 फिर 16 9 160 बराबर ही है, ठीक। अब देखो यहाँ 3 × 2 की घात 2 यानी कि 4 × 3 की घात 2 यानी कि 9 4 3 12 12 9 108 ही होते हैं, सही है। चलो अब आगे अपन देखेंगे इसके बाद क्या होगा आपका 2 की घात 2A, ठीक, 2 की घात 2A है ना, -3B और इसका पूरे का हो गया होल क्यूब, A - B³ होल क्यूब बन गया, ठीक। चलो ये आपके 8th का 4th पार्ट कंप्लीट यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 8th का पार्ट नंबर 5th। तो व्हाट इज़ आर 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8th, लिसन, एक्चुअली 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8th इज 27PQ, 27P की पावर कितनी आ गई 3 - 1/216
उसके बाद में माइनस का 9/2 और क्या आएगा पी की पावर 2 प्लस 1/4 और आगे आ गया आपके पी। ठीक, चलो तो देखो फिफ्थ नंबर हो गया। अब आगे अपन देखते हैं, ध्यान दो। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² ठीक, वही सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला है। अब देखो 27 है, अभी भी लिखा है ना मैंने, देखो 27 को 3 की घात 3 लिखा है, तो यहाँ लिख दो 3 की घात 3 और फिर पी की घात 3। ए क्यूब हो गया माइनस 216 अगर हम देखें किसका क्यूब रहता है तो देखो 6, चलो यहाँ फैक्टर किए लेते हैं। 216 अगर हम देखें, 6 का भाग दिया, वैसे तो 2 और 3 का भाग देते हैं, तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, 6 × 6 करेंगे अपन, 6 × 6, या फिर चलो फैक्टर से तोड़ देते हैं, है ना, वरना आपको उस तरह ना समझ में आए। 216, अब देखो इकाई का अंक जब 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या कैसे कट जाती है, तो वो संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाती है, तो इकाई का अंक है यहाँ पे 6, यानी 2 से कट जाएगी, 2 × 2 फिर इसमें जाएगा नहीं 0, 16 हो गए, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काट दो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काट दो 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, फिर 3 से काटेंगे तो 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटो 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3 3 बार, 2 × 2 = 3 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ध्यान देंगे, 1/3 3 बार है, 3 लगा दिया, 2 3 बार है, 2 3 बार लगा दिया, ठीक, 6 × 3 = 6 = 3 हो जाएगा ये, और माइनस का फिर क्या है आपके 3a² b, ए स्क्वायर यानी कि 3p² इंटू b यानी कि 1/6, ठीक, और फिर प्लस आगे क्या है आपके 3ab² 3a कितना है 3p × b² कितना है 6 की पावर 2, ठीक। चलिए तो अपने देखते हैं क्या हो जाएगा ये देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्या ये मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, देखो 3 से कट जाएगा ये 2 बार, ऊपर 9 हो गया, 9/2 p² आ गया, सही है। अब यहाँ देखो यहाँ पे 9 और ये 36, 9 × 36 1/4 p हो गया, ठीक बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके a माइनस बी, बी की जगह कितना है 1/6, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि सूत्र क्या बनना था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² जो कि किसका सूत्र होता है, जो कि होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, a की जगह 3p था, b की जगह कितना था 1/6, तो इसका होल क्यूब कर दिया अपन ने, वेरी वेरी सिंपल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, विच इज़ आर पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ये तो 4th था, 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8th में भाई 6th पार्ट है नहीं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9th इज व्हाट, सत्यापित कीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9th है आपका सत्यापित करो। अब क्या सत्यापित करना है वो देखो, सत्यापित करो, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, x³ + y³, है ना, x³ + y³ = कितना दिया है आपको, x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x²-xy + y², ठीक। चलिए, है ना, पहले पहला पार्ट सत्यापित की लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तो देखो 9th का ये फर्स्ट पार्ट है आपके, सत्यापित कीजिए, तो देखो 9 का फर्स्ट पार्ट है a³ + b³, तो a³ + b³, है ना, चूँकि a³ + b³ = क्या होता है आपके, a³ + b³ = a + b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a² + का, अब ध्यान से देखो भाई, a² - ab + b², ठीक, ये बनता फॉर्मूला, तो ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई है, तो इसका देखो LHS क्या हो जाएगा आपके, LHS = a + b यानी x + y, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x² - xy + y², ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान दो भाई, ये तो था हमने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन जब सत्यापित की बात आती है तो हम RHS जो कि बड़ा पक्ष है उसको लेंगे और मल्टीप्लाई करके LHS निकालेंगे, तब प्रॉपर सत्यापन माना जाएगा, ठीक। तो मैं वही यहाँ पे करने को जा रहा हूँ,
ये तो मैंने आपको बताया था भाई, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो मैंने फॉर्मूला आपको ओपन करके दिखा दिया, ये RHS के इक्वल हो गया है ना। लेकिन जब हम सत्यापन देखेंगे इसका, सत्यापन है ना, सत्या और उसका पन, ठीक, सत्यापन देखेंगे तो हमें RHS लेनी पड़ेगी। ठीक, तो RHS क्या है आपकी, RHS है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो देखो भाई मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे है ना, मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वापस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स पावर थ्री, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं भाई, तीन पद हैं इस ब्रैकेट में और x का मल्टीप्लाई अपन ने किया तो पहले पहले पद में होगा तो एक्स पावर थ्री हो गई, दूसरे में होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, तीसरे में हो गया तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर, चलिए बाई से करो, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और उसके बाद में माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे कितना होगा प्लस का वाई हुआ थ्री, तो ये आ जाएगा आपके एक्स क्यूब है ना प्लस का वाई क्यूब, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर ये कट गए आपस में है ना, ये भी कट गए आपस में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया जो कि LHS के इक्वल है, जो क्या है LHS, यही है आपका प्रॉपर सत्यापन। ठीक, तो अब देखते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, देखो दूसरा वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट मैं लिख ही दे रहा हूँ, कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं हो इस वजह से, बाकी सत्यापन इसका आपको खुद करना है, तरीका मैं बता दूंगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है ना, ये भी फॉर्मूला है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक भाई, RHS ले लेना सिंपल, जैसे इसमें लिए थी RHS लेके मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके ये इजी भी आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपके। ठीक, चलिए तो देखो अपन देखते हैं भाई, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।